नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है प्राणियों में पोषण। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पौधों में पोषण अर्थात पादपों में पोषण। तो उसमें मैंने दो टॉपिक पढ़ा था, स्वपोषी और परपोषी। तो हमने पौधों के बारे में पढ़ा था क्या कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जो दूसरों पर आधारित होते हैं अर्थात जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी, परपोषी कहते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि परपोषी क्या होते हैं। जितने भी जीव जंतु अर्थात प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अब देखते हैं, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्राणियों में पोषण। इसमें क्या है हम देखते हैं, आपने अध्याय एक में पढ़ा यानी अर्थात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्ग्रहण अर्थात भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। आइए देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। आइए देखते हैं, ये देखते हैं जटिल पदार्थों क्या कर दिया, टुकड़ों में इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया सरल पदार्थ में। अर्थात जैसे हम क्या कहते हैं, पाचन क्या होता है, जटिल पदार्थों को अर्थात बड़े बड़े पदार्थों को, बड़े पार्ट को क्या होता है, उसको टुकड़े में तोड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। देखते क्या लिखा है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब हम देखते हैं खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां, अर्थात जो हम भोजन खाते हैं मुख के द्वारा खाते हैं, अंदर लेते हैं उसको, मतलब अंतर्ग्रहण करने की विधियां क्या है। ठीक, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर अर्थात हमिंगबर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। अब देखते हैं, हम तारा मछली के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टारफिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खा जाती है, अर्थात खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तारा मछली होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, अर्थात पोषण के रूप में लेती है। जैसे घोंघा का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होता है। मान लीजिए उसको क्या किया, स्टारफिश ने लिया और लेने के बाद उसका जो कवच होता है वो क्या होता है, खुल जाता है। और खुलने से क्या होता है, खुलने का जो अंदर का कोमल पार्ट होता है उसको आमाशय, जो तारा मछली होती है आमाशय बाहर निकालती है, उसको कोमल पार्ट को क्या होता है, अपने अंदर ले लेती है। और लेने के बाद क्या होता है, फिर आमाशय क्या करता है, तारा मछली का आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार क्या होता है, धीरे धीरे पचता है। अब देखते हैं मानव में पाचन
अरे मनुष्य में हम पाचन की क्रिया देखते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, अर्थात जो हम भोजन माउथ में खाते हैं, मुख पार्ट है, यानी माउथ के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम, मुख कहते हैं। ठीक, उसमें हम जो चबाते हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे हम जब भोजन को खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है, यह हमारे शरीर में जाता है हाथ द्वारा या किसी अन्य ग्रंथियों के द्वारा जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, उन तत्वों को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनका हम पाचन नहीं करते हैं, अपशिष्ट होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मल के रूप में त्याग देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। वही लिखा है, आगे देखते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है, क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, यानी हमारे माउथ से लेकर जो एनल पार्ट है, एनल पोर होता है, वहां तक क्या है, वहां तक क्या है, पाचन नली जिसको कहते हैं, वहां तक इसका क्या पार्ट क्या है, पार्ट क्या है, पाचन नली। देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट है, पाचन नली में कौन कौन से भाग हैं। मुख गुहिका ग्रास नली, मुख गुहिका को क्या कहते हैं, जो माउथ वाला पार्ट होता है उसको मुख गुहिका कहते हैं। ग्रास नली इसोफेगस होता है। आमाशय क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत, बृहदान्त्र बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है। फिर उसके बाद आता है मल द्वार। ठीक, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है, अर्थात यह लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, जैसे जैसे भोजन विभिन्न मार्गों से या विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथि, लाला ग्रंथि अर्थात लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। अर्थात ये ग्रंथियां क्या होती हैं, पाचक रस को क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। और यह जो पाचक रस होते हैं जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर क्या बनाती हैं, पाचन तंत्र जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। देख लेते हैं पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। मुख गुहिका, लाला ग्रंथि अर्थात सलाइवरी ग्लैंड, ग्रसिका, इसोफेगस, यकृत जिसे लीवर कहते हैं, पित्ताशय गॉल ब्लैडर, आमाशय स्टमक, अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, क्षुद्रांत छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदान्त्र बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय जिसको रेक्टम बोलते हैं, गुदा अर्थात इनल पोर। अब हम जानने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। जैसे हम भोजन को खाते हैं और खाने के बाद मल के रूप में जो बचा हुआ भाग होता है उसे हम त्याग देते हैं, लेकिन उससे पहले कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं और जितने भी आहार नाल के पार्ट हैं, जो अंग हैं, उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है, मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका अर्थात सॉकेट में क्या होता है, धंसा होता है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्रियाकलाप 2.2 देखते हैं। अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए, अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं, एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने अर्थात कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं,
कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने अर्थात भेदन और फाड़ने के काम आते हैं, उन दांतों को भी पहचानिए, और चबाने एवं पीसने के काम आने वाले दांतों को भी पहचानिए। दांतों का सेट हम इनको देख लेते हैं। ये जो हमारे जो मनुष्य हैं इनमें 16 जोड़ी दांत होती है, अर्थात 16 नीचे 16 ऊपर, टोटल 32 दांत होती हैं। उनमें कौन कौन से दांत होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। चार प्रकार के दांत होते हैं, ठीक, देखते कौन कौन से। जो सामने चार होते हैं, सामने के चार दांत होते हैं कृंतक, उनके बगल में होते हैं रदनक, रदनक के बगल में दो सेट किसका है, अग्र चर्वणक का, फिर उसके बाद कौन सा है, चर्वणक। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो जो लार रस स्रावित करती है। लार रस का क्या करती है, स्रावित, लार रस अथवा जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उस किसकी, सलाइवा का निर्माण करती है, सलाइवा को क्या करती है, सिक्रीट करती है। अब एक क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि लाला अर्थात जो लार होता है भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम इसका पता लगाते हैं, अर्थात देखते हैं लार के माध्यम से भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उससे पहले हम देख लेते हैं ये पॉइंट क्या लिखा है, दूध के दांत तथा स्थायी दांत क्या होते हैं, दूध के दांत कौन से होते हैं और स्थायी दांत कौन कौन से होते हैं, हम ये देखते हैं। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक आते ये सभी दांत गिर जाते, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत, इसको दूध के दांत और इसको मिल्क टीथ भी कहते हैं और लैक्टियल टीथ भी कहते हैं। अब क्या लिखा है, इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत या परमानेंटली टीथ कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। समान स्वास्थ्य व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथा वृद्धावस्था में यह प्रायः गिरने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब हम छोटे होते हैं तो जो दूध के दांत आते हैं, जो हमारे सबसे पहले जो दांत आते हैं वो 8 वर्ष तक आते आते क्या होते हैं, अपने आप गिर जाते हैं। सारे दांत जितने भी दांत होते हैं वो सभी गिर जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। फिर उसके बाद जो भी जो दांत आता है, जो हमारे माउथ में जो भी दांत आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्थायी दांत। अब वो स्थायी दांत जो होते हैं हमेशा जीवन भर हमारे वो बने रहते हैं, इसीलिए स्थायी रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। लेकिन वृद्धावस्था में ये भी प्रायः गिरने लगते हैं। तो हमारे जीवन में, हमारे पूरे जीवन काल में दांत कितनी बार आई, 2 बार आई, 2 बार दांत हमारे जीवन काल में आई। तो इसीलिए हम मनुष्य क्या होता है, डायोफियोडोंट कहते हैं, ठीक। और जिनके लाइफ में पूरे एक ही बार दांत आता है उसको मोनोफियोडोंट कहते हैं, और 2 से अधिक बार जब दांत आता है तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीफियोडोंट कहते हैं। और ये आगे देखते हैं, हम जीभ के बारे में पढ़ते हैं। जीभ, यहाँ से पढ़ते हैं, जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, अर्थात जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है वो स्वतंत्र होता है और इसके पीछे क्या होता है, वो जुड़ा होता है, ठीक। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त या भोजन में लार को मिलाने का क्या करती है, कार्य करती है। जीभ क्या करती है, भोजन में लार को अर्थात सलाइवा को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है, जैसा कि क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम क्या करते हैं, स्वाद कलिकाओं की स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। देखते हैं, निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए, जैसे कि चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। अब क्या करते हैं, अपने किसी मित्र की आंखों
अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकलवाकर अर्थात निकालकर सीधी रखने को कहिए। जैसा कि 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक बिलियन के नमूने की एक दो बूंद रखिए। बिलियन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य बिलियनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक बिलियन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। ठीक, अब क्या पढ़ते हैं हम, भोजन की नली। जीभ का हम देख लेते हैं डायग्राम क्या है। ये देखिए जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, देखिए विभिन्न क्षेत्र है एक, ये देखिए ये जीभ पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र जो होते हैं अलग अलग टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ नमक के लिए, यहाँ मिर्च के लिए। अब हम दांत से संबंधित इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षत पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयां व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। अब देखते हैं हम भोजन की नली में हम पढ़ते हैं। भोजन की नली को क्या कहते हैं, इसोफेगस या ग्रसिका। जैसे ही हम मुख गुहा से माउथ से क्या करते हैं, मुंह से हम भोजन को चबाते हैं। भोजन के चबाने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स होता है, लार, जो भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बना देता है। और उसके बाद हम भोजन को क्या करते हैं, जिस नली में ले आते हैं उसको क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस जो होता है, इधर एक तरफ मुख गुहा से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ अमाशय अर्थात स्टमक से जुड़ा होता है। इसोफेगस जो होता है सिर्फ पासिंग, भोजन को पास करने की एक नली होती है, यानी अर्थात माउथ से उसको स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करती है। भोजन की नली जो ग्रसिका होती है वो माउथ से मुख गुहा से स्टमक अर्थात अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब देखते हैं क्या लिखा है। निगला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा अमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वमन बोले तो वोमिटिंग, उल्टी के द्वारा, जब हमको उल्टी होती है, वोमिटिंग होता है, तो क्या होता है, भोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, इसके कारण के विषय में सोचिए। ये पॉइंट छोड़ते हैं, देखते हैं इसोफेगस के बारे में क्या लिखा है। ये देखिए भोजन क्या है, इसोफेगस में एंट्री किया है और धीरे धीरे अमाशय में एंट्री कर रहा है। ये ग्रसिका है अर्थात इसोफेगस। अब भोजन कहाँ आ गया है, अमाशय में आ गया है। अमाशय में आने के बाद भोजन का क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का
आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, यह एक और ग्रसिका। अब देखते हैं ईसोफेगस क्या है। ईसोफेगस जो स्टमक है, आमाशय, यह एक तरफ क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत से जुड़ा होता है, और दूसरी ओर अभी मैंने पढ़ा ईसोफेगस ग्रसिका से जुड़ा होता है, वही लिखा है। तथा यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, यह एक ओर ग्रसिका ग्रास नली से खाद प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। कहने का तात्पर्य यही है, एक ओर किससे जुड़ा होता है, ग्रसिका से जुड़ा होता है, दूसरी ओर क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत से जुड़ा होता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल अर्थात श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस अर्थात जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। प्रोटीन क्या है, एक जटिल पदार्थ है। क्या है, जटिल पदार्थ है, उसको क्या करता है, जठर रस जो होता है उसको सरल पदार्थों में विघटित अर्थात तोड़ देता है। अब भोजन को देखते हैं, आमाशय से जब छोटी आंत में आता है फिर उसके बाद क्या होता है। आपने पढ़ा होगा छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत सिर्फ नाम से छोटी आंत है और होती बड़ी आंत से बड़ी है, अर्थात ये क्या होता है, पतली होती है। बड़ी आंत जो होती है मोटी होती है, ठीक, इसलिए उसको बड़ी आंत कहते हैं। लेकिन लंबाई में क्या होता है, छोटी आंत से छोटी होती है, और छोटी आंत जो होती है पतली होती है, लेकिन बड़ी आंत से क्या होती है, लंबी होती है। देखते हैं, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय में स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। कुछ रस क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए एक क्वेश्चन बन गया कि मनुष्य में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि कहेंगे। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो पित्ताशय से निकलने वाला जो पित्त रस होता है वो किस में महत्वपूर्ण निभाता है अपना योगदान, पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थिति होती है, जैसा कि चित्र 2.2 में दिखाया गया है। और आमाशय क्या होता है, आमाशय का कार्य क्या है, अग्नाशय रस को स्रावित करना। और अग्नाशय रस का कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे क्या होता है, रोटी को हमने क्या किया, अब टुकड़ों में छोटी छोटी टुकड़ों में उसको क्या कर दिया, खंडित कर दिया। वह टुकड़ा जो होता है इतना छोटा हो जाता है जिसको हमारे आंत द्वारा क्या होता है, जो हमारे अवशोषित अंग होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, जैसे क्या लिखा है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसराल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त, वक्ष चेस्ट वाले हिस्से को क्या कहते हैं, वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया
ब्यूमांड को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमांड ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय छुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का क्या होता है, पाचन पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं छुद्रांत में अवशोषण, अर्थात जो पाचन का जो भोजन का हमने पाचन किया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या किया, परिवर्तित किया। अब उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। छोटी आंत में क्या होगा, अवशोषण होगा। देखते हैं, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। छुद्रांत की आंतरिक भित्त पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका होगी? देखते हैं क्या भूमिका है। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। जैसे दीर्घ रोम कैसे होते हैं, जैसे ये मान लीजिए आंत की क्या है, आंतरिक दीवार है, और दीर्घ रोम ऐसे होते हैं ऐसे। इससे क्या हुआ कि ये वाले जो हिस्से हैं ये क्या हो गए, ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो अवशोषण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि ऐसे सपाट होता तो इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है, तो अवशोषण की प्रक्रिया भी कम होगी। वही पॉइंट लिखा है, दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते। जैसे क्या हुआ, ये दीर्घ रोम हुए, ये क्या है, दीर्घ रोम है, ठीक। तो दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशेषण क्षेत्र तल बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं होती हैं, इनका जाल जैसे क्या होता है, फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मान लेते हैं ये क्या है, आंत की, छोटी आंत की आंतरिक वाल है, इस पे क्या है, ये दीर्घ रोम है, दीर्घ रोम है। अब दीर्घ रोम में क्या होते हैं, जाल नुमा ब्लड की क्या होती है, वाहिकाएं होती हैं, नली होती हैं। और दीर्घ रोम के द्वारा यहाँ क्या होता है, भोजन है, भोजन के वो टुकड़े हैं जिनको हम अवशोषित कर सकते हैं। इनको दीर्घ रोम द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित करके इन्हीं ब्लड कैपिलरी अथवा जो खून की नलिकाएं उनमें क्या किया जाता है, अवशोषित कर दिया जाता है। वही लिखा है यहाँ पे, प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है, तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। अर्थात जो खून होता है, ब्लड होता है, हमारे प्रत्येक शरीर के अंगों में जाता है। जब छोटी आंत से भोजन को अवशोषित करके दीर्घ रोम रुधिर वाहिकाओं में डालता है, तो रुधिर क्या करता है, पूरे शरीर में भोजन को क्या करता है, फैला देता है। वही चीज लिखा है, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतर रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है, और क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, अर्थात बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब बड़ी आंत में भेजने के बाद भोजन का क्या होता है, देखते हैं। बृहदान्त्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। अब देखते हैं क्या लिखा है, इस पॉइंट का मतलब क्या है। जैसे छोटी आंत से जो भी बचा हुआ भोजन पहले तो अवशोषित कर लिया गया, अवशोषित करके रुधिर वाहिकाओं में भेज दिया गया, और रुधिर वाहिकाएं क्या किया है, शरीर के विभिन्न भागों में चला गया रुधिर वाहिकाओं के द्वारा। उसके बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ बचा, जो भोजन का कुछ भाग बचा, उसको बड़ी आंत में ले लिया गया। बड़ी आंत ने क्या किया कि उसमें जो जल थे, जल को अवशोषित किया, और उसमें जो उपस्थित लवण थे, कुछ खनिज लवण, उनको क्या किया, अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद जो वेस्टियल पार्ट होता है, जो हमारे यूज लायक नहीं होता है भोजन का पार्ट, वह क्या होता है, मलाशय में चला जाता है। और मलाशय में जाने के बाद उसके बाद एनल पोर के द्वारा
गुदा के द्वारा उसे मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ क्या लिखा है, समय समय पर, समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। अब हम देखते हैं जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्या है। क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते जब वे भोजन न खा रहे हो। वास्तव में वो पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय चार भागों में बटा होता है, चार भागों में बटा होता है, जैसा कि चित्र 2.9 में दर्शाया गया है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं, क्या कहते हैं, रोमंथन कहते हैं। तथा ऐसे जंतु क्या कहलाता है, रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जब बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदान्त्र के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंडनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब क्या देखते हैं, क्या लिखा है, अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र। अब क्वेश्चन उठता है, फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, पहला जंतु कौन सा है, अमीबा। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में अर्थात जल में पाए जाने वाला एक कोशिकी जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका होती है। कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें हम पादाप अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप अर्थात कृत्रिम पांव विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी धानी में फंस जाते हैं, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अवशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखते क्या लिखा है, इस चैप्टर में कुछ पीछे पॉइंट छूट गए, इनको हम देख लेते हैं, बेसिक जानकारी के लिए इनको हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, जैसे कि ये पॉइंट क्या है, कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको क्या होती है, खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है।
श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्य का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक देती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। अब दस्त से रिलेटेड एक पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। दस्त, कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता तथा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चर्मावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। अब कुछ पॉइंट हैं जिनको हम पीछे पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, उनकी चर्चा हो चुकी है। देखते कौन कौन से पॉइंट है। अवशोषण, अमीनो अम्ल, स्वांगीकरण, पित्तरस। अमीनो अम्ल जो होते हैं वह छोटा पार्ट है, प्रोटीन का यह सबसे छोटा पार्ट है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा क्या किया जा सके, अवशोषित किया जा सके, वह पॉइंट है। यह पित्तरस, मुख गुहिका, रदनक, सेलुलोज, पाचन तंत्र, निष्कासन, वसा अम्ल, खाद्य धानी, पित्ताशय, कृंतक, अंतर्ग्रहण, यकृत, चर्वणक, ग्रसिका, अग्नाशय, अग्रचर्वणक, पादाभ, रूमिनेंट, लाला या लार ग्रंथि, दीर्घरोम। देखते हैं आगे। जंतु में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग क्या है, सम्मिलित है जंतु की पोषण में। ठीक। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इनमें कौन कौन से पार्ट हैं? आहार नाल में मुख गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदान्त्र जो मलाशय में क्या होती है, समाप्त होती है, तथा इसके बाद क्या होता है, गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां कौन कौन सी है? लार की ग्रंथि अर्थात लाला ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय। अमाशय की भित्त एवं क्षुद्रांत की भित्त भी पाचक रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भिन्न भिन्न है अर्थात भिन्न है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण अर्थात निष्कासन शामिल है। इसको हम फिर से देख लेते हैं। अंतर्ग्रहण क्या है? जब हम भोजन को मुख के द्वारा अंदर की ओर लेते हैं उसे अंतर्ग्रहण करते हैं। फिर उसको जब हम चबाते हैं, जटिल पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में अर्थात सरल पदार्थों में जब हम परिवर्तित कर देते हैं उसको क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब पचा हुआ जो भाग होता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है उसका क्या कर देते हैं, अवशोषण कर देते हैं। अवशोषण करके जो ब्लड कैपिलरी द्वारा अर्थात ब्लड द्वारा विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है भोजन को, उसको क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। और जो हमारा शरीर जिन भोजन के भाग को अवशोषित नहीं कर पाता है उसको मल के रूप में हम निष्कासन कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, निष्कासन। आगे देखते हैं। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ हो जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशयी स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण
बृहदान्त्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अवशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंती अथवा रूमिनेंट कहलाते हैं। ये पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पदार्थ की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है, इनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मानव पोषण के मुख्य चरण देखते हैं। क्या है मानव पोषण के मुख्य चरण, कौन कौन से हैं? अंतर्ग्रहण, क्या है पहला हो गया अंतर्ग्रहण, दूसरा हो गया पाचन, दूसरा क्या हो गया पाचन, तीसरा देखते क्या है अवशोषण। और चौथा क्या है स्वांगीकरण, और लास्ट में क्या है निष्कासन। अर्थात मानव के पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और निष्कासन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या यकृत है। अगला क्वेश्चन क्या है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचन रसों का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। यहाँ क्या होगा पाचन रसों का स्राव होता है। घ देखते हैं, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम या रसांकुर कहलाते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। किसमें करता है? खाद्य धानी में करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दूसरा, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। लिखा क्या, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये क्या है गलत है, असत्य है। जीव लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, ये क्या है सत्य है। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ये भी सही है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ये भी सत्य है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखते क्या, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है उसे क्या कहते हैं? क्षुद्रांत, अर्थात क्या है छोटी आंत में क्या होता है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। अब देखते हैं ख, इसमें क्या, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? बृहदान्त्र, अर्थात बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं क्या है, कॉलम ए और कॉलम बी को क्या करना है? मिलाना है, जैसे खाद्य गठन क्या होते हैं? पाचक के उत्पाद, ये सही है। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो सबसे छोटा टुकड़ा इसका जो होता है सरल पदार्थ कौन सा होता है? शर्करा। उसके बाद आता है प्रोटीन का जब पाचन होता है तो जो अवशोषित करने वाला जो उत्पाद बनता है उसको क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आहार नाल के कौन कौन से भाग
सॉरी क्या लिखा, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में अर्थात क्षुद्रांत में। भोजन को चबाना किस में होता है, मुख गुहिका में होता है, मुख गुहिका में होता है। जीवाणु नष्ट करना अमाशय का कार्य होता है, जीवाणु नष्ट करना यहाँ लिखेंगे अमाशय, अमाशय। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, यहाँ लिखेंगे छोटी आंत। मल का निर्माण किस में होता है, बड़ी आंत, बड़ी आंत अर्थात बृहद आंत्र। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। लाला ग्रंथ, लाला ग्रंथ क्या करता है, लाला रस स्रावित करता है, अर्थात जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार की ग्रंथि होती है, वो लार का श्रावण करता है। अमाशय, अमाशय जो है आपका अम्ल का निर्मोचन करता है, अम्ल का निर्मोचन करता है। फिर उसके बाद आता है यकृत, यकृत जो होता है पित्त रस का श्रावण करता है, पित्त रस का श्रावण। मलाशय, मलाशय जो होता है मल का त्याग करता है, मलाशय मल का त्याग करता है। क्षुद्रांत्र पाचन का पाचक मतलब पाचन पूरा करता है, क्षुद्रांत में क्या होता है अर्थात छोटी आंत में पाचन पूरा होता है। अब आता है वृद्धांत्र, वृद्धांत्र में क्या है, वृद्धांत जो होता है इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। और इसको देख लेते हैं, वृद्धांत्र इसमें जल का अवशोषण होता है और बिना पचे भोजन का भंडारण भी इसी में होता है, बिना पचे भोजन का भंडारण भी होता है। ये डायग्राम बना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। देखते हैं क्या क्या, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, यकृत, इसको क्या लिखेंगे, यकृत। इसके नीचे ये क्या है, पित्ताशय, ये क्या है, पित्ताशय। और ये जो पार्ट है ये है अमाशय, ये अग्नाशय, यह आपका हो गया, यह आपका होगा छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत भी कहते हैं, ये हो गया आपका बड़ी आंत जिसे बृहदांत भी कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है आपका ये हो गया मलाशय और ये हो गया गुदा। दोस्तों आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।